अपना दर्द बयान करते यह लोग कोई और नहीं बल्कि सेक्टर 67 अंसल असेंसिया सोसाइटी के निवासी हैं। यहां करोड़ों रुपए के फ्लैट लेने के बाद भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। स्थानीय निवासी हो या आरडब्ल्यूए, हर कोई बिल्डर और प्रशासन को कोस रहा है। नई आरडब्ल्यू टेक ओवर किया जब मैंने, तो उस टाइम पे बिल्डर की तरफ से हमारे को कमिटमेंट मिला था कि वो एक डी ब्लॉक में 275 के एलडी का एक एसटीपी बनाएगा, एक एच ब्लॉक के अंदर 550 के एलडी का एसटीपी बनाएगा। डी ब्लॉक वाला काम जो है अभी उसने मार्च के अंदर हैंडओवर करना था, बट ये काम डिले है। बिल्डर ने उसमें तो अपनी कमिटमेंट पूरी करी है, बट अभी काम को स्लो कर दिया उसने, क्योंकि वो बार बार यही बोलता है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। वर्सालिया वाला हमारा जो एसटीपी है वो वर्किंग हो चुका है, एक कमिटमेंट और हमारे को उससे लेनी है। एक हमारा 1500 केएलडी के लिए हमारा बी ब्लॉक के अंदर जगह बची हुई है, वहाँ पे हम चाहते हैं उससे कि वो बिल्डर हमारा वो 1500 केएलडी का एक एसटीपी और बनाए। एसटीपी को लेके जो है पीछे एडीसी ने भी विजिट की थी और यहाँ पे बिल्डर पे 3.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था, उसके बाद भी बिल्डर का क्या रवैया रहता है? बिल्डर का रवैया तो बहुत बेकार है, वो हर चीज़ को जो है वो नेगलेक्ट करता है, और उसका जो भी स्टाफ भी यहाँ पर है, अगर हम उसको बोलते भी है कि भाई तुमने जितनी भी डेफिशिएंसीज थी यहाँ पे सीवरेज को लेकर के, तुम्हारे को उसके ऊपर काम करना है, तो वो उनका एक ही ढुलमुल रवैया होता है कि जी हमारे पास में फंड का जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल है, तो अभी हम उसको देखते हैं। तो जो देखने वाला रवैया, उसकी वजह से सारे रेजिडेंट जो है वो सफ़र करते हैं। फंड की बात है कि इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस चार्जेस ले रखे हैं बिल्डर ने, लेकिन उसका अभी तक जो है कुछ भी पता नहीं है, बीच में पुलिस कंप्लेंट भी हुई थी, क्या स्टेटस है उसके अंदर? हमने ऑलरेडी बिल्डर के ऊपर कंप्लेंट किया हुआ है, और वो पिछली हमारी आरडब्ल्यू के अंदर जो है उन्होंने काफ़ी उसके अंदर इनिशिएटिव लेकर के उसके ऊपर केस भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो बात मेरे तक आई नहीं और वो पीछे से ही मामले को रफा दफा कर दिया गया। मैं इसके ऊपर दोबारा से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बिल्कुल पक्ष में हूँ, और मैं इस पैसे को जो मेरे रेजिडेंट का पैसा है और जो मेरे सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट में खर्च होना है, मैं बिल्डर से एक एक पैसा लेकर करूंगा। समस्याएं जो है वो दो तरीके की हैं, एक जो बिल्डर से है, एक जो प्रशासन से है। ठीक है, बिल्डर से हमारी समस्याएं ये है कि एसटीपी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है और जितना हमें चाहिए उस लेवल पे भी नहीं है। और उसके अलावा जैसे प्रशासन से है, एक तो हमारा सब स्टेशन का प्रॉमिस बहुत पुराना है, और जैसे आरडब्ल्यूए के लोग बता ही रहे हैं कि उन्होंने पैसा भी सब जमा हो गया है वहाँ पे, लेकिन अभी तक सब स्टेशन का कोई शुरुआत नहीं हुई। आगे गर्मी आ रही है, लोगों को लाइट की वजह से बहुत प्रॉब्लम रहती है, अभी सर्दी में ही इतनी लाइट जा रही थी तो गर्मी में कितना बुरा हाल हो जाएगा। तो सब स्टेशन अपना जो है अपना प्रॉमिस पूरा करे प्रशासन। उसके अलावा जैसे 24 मीटर सड़कें जो है वो जगह जगह बंद पड़ी हैं, मतलब अभी बीच में रुकी हुई हैं, तो वो गवर्नमेंट का काम है रोड्स को कंप्लीट करें, क्योंकि अब जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है, लोग यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादा आ रहे हैं, तो इतना ट्रैफिक जो है 18 मीटर इंटरनल रोड पे नहीं आ सकता, तो उसके लिए जो 24 मीटर सड़कें हैं आउटर में, तो वो सारी सड़कें जो है खोले गवर्नमेंट और उनको पूरा करे। और उसके अलावा जैसे अभी ये हमारे मेन गेट से बाहर निकलने के बाद जब यहाँ मेन 60 मीटर रोड है मॉल्स के सामने, तो यहाँ इतनी रेड़ियाँ जो है आके रुकने लगी हैं, तो ये एमसीजी क्या कर रही है? उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि इतनी रेड़ी यहाँ पे अब आने लग गई है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी हाई राइज हैं, सोसाइटीज़ हैं, हजारों लोग यहाँ से निकलते हैं, तो अभी यहाँ पे ट्रैफिक जाम होने लग गया, धीरे धीरे रेड़ियाँ और बढ़ेंगी तो और ट्रैफिक जाम होगा। मैं केवल जो है मैं आपको बताऊँ, एक सोशल वर्कर के रूप में हूँ, सामाजिक हूँ, धार्मिक हूँ, राजनीतिक को तो मैंने त्याग दिया, लेकिन दो का तो पार्ट प्ले में करता ही, और मैं तो यही चाहता हूं कि ये टाउनशिप अच्छी हो, उसी के लिए जो भी समय हमारे पास है उसी के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो कितनी अच्छी हम बढ़ा सके, चाहे प्रशासन के साथ मिलके या बिल्डर के साथ अगेंस्ट जो भी कुछ कर सकते हैं तो वही कर रहे हैं। अब उसमें हम कितनी सफल हो पा रहे, पहले से बेहतर है,